लोगों की ग्रीवेंस को लेकर यंग बाइट्स की टीम पहुंची वार्ड नंबर 29 शक्तिनगर। लोगों का कहना, बारिश के दौरान घरों में घुस जाता है पानी, नहीं ले रही एडमिनिस्ट्रेशन शुद्ध, हो रही अनदेखी। बहुफोर डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजीव चारक ने शाही मस्जिद के विकास की समीक्षा, किया बैठक का आयोजन। बागेबहू में खुला ओपन एयर थिएटर कल से होगा शुरू। जम्मू में बागेबहू में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर शुरू होने जा रहा है। यहां थिएटर कल से शुरू होगा जिसमें 1500 लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख सकेंगे। इसकी शुरुआत शनिवार को डोगरी फिल्म गेटिया से होगी। जोशीमठ जैसे तबाही के मुहाने पर डोडा का ठाठरी इलाका नई बस्ती में बने 12 घरों में दरारें। जोशीमठ जैसी तबाही के मुहाने पर डोडे का ठाठरी इलाका भी आ गया है। यहाँ की नई बस्ती में जमीन धंसने से 10 से 12 घर में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लगातार दरारें आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले एक घर में दरार आई थी, इसके बाद लगातार अन्य घर भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। SI ने आतंकी फंडिंग में कई जगहों पर मारे छापे, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हाथ। आतंकी फंडिंग मामले में शुक्रवार को राज्य जांच एजेंसी ने श्रीनगर के कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में एजेंसी को कई दस्तावेज भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में CBI ने प्रदेश भर के 37 स्थानों पर मारे छापे, वित्त विभाग की भर्ती परीक्षा घोटाले में कार्रवाई। नई दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिले आजाद। पूर्व मुख्यमंत्री एवं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में गरीब परिवारों को रियायत देने का आग्रह किया है। कुलगाम में जैश के मजूल का बांडाफोड़, 6 आतंकी हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने जैश मोहम्मद के आतंकी मजूल का बांडाफोड़ कर 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथियों की तलाश भी जारी की जा रही है। कुलगाम पुलिस को इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूद होने की सूचना मिली थी। वैष्णो देवी भवन परिसर में मजदूरों के लिए बने शेड में लगी आग, बचाव और राहत अभियान शुरू। वैष्णो देवी भवन परिसर में बने मजदूरों के शेड में शुक्रवार को आग लगी। अचानक लगी आग में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अदानी मसले पर सरकार को घेरेंगे 16 विपक्षी दल, चर्चा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन, आज एक बार फिर से अदानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बड़ी मुश्किलें, संजय राउत ने भेजा मानहानि का नोटिस। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मानहानि का नोटिस भेजा है। राउत ने राणे द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद ये कदम उठाया है।